हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनम और आपका स्वागत करती हूं फिल्मी बीट पर। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। पहले उनके कुक नीरज ने कई बातें की और अब उनके साथ उनके फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिथानी ने मीडिया को एक चौंकाने वाली बात की है। हालांकि कुछ दिन पहले ही नहीं बल्कि जस्ट 2-3 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात को मिले थे, जस्ट सुशांत की मौत के एक दिन पहले वाली रात को, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या 14 जून को हुई थी। और इस पर अब उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिथानी, जो कि प्राइम विटनेस हैं, जो कि उस वक्त सस्पेक्ट हैं, प्राइम सस्पेक्ट हैं, जो घर पर मौजूद थे, सुशांत के फ्लैट पर मौजूद थे उस वक्त जब सुशांत की बॉडी को ले जाया गया था, और ये खबर देने वाले भी सिद्धार्थ पिथानी ही थे। ऐसे में सिद्धार्थ पिथानी ने मीडिया हाउस को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो बातें चल रही हैं, जो इस भी तरह की खबरें आ रही हैं कि सुशांत और रिया 13 जून की रात को मिले थे, वो सारी खबरें झूठी हैं। उन्होंने इन सारी बातों से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारी खबरें गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं और केस को कहीं और ही ले जाया जा रहा है, बल्कि सुशांत और रिया तो 8 जून के बाद मिले ही नहीं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया था ताकि वो सुशांत के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही ना रख सकें, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनकी कोई बात नहीं हुई। और अब अचानक से ये जो थ्योरी सामने आ रही है, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आ रही है। ये बात उन्होंने एक मीडिया हाउस को बताई और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। हालांकि उनका कहना यह है कि जो भी मुलाकात हुई है वो सिर्फ 8 जून तक ही रही है। 8 जून के बाद सुशांत ने भी उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। सुशांत को ब्लॉक कर दिया था रिया ने, और रिया उनके किसी भी संपर्क में नहीं थी, कि कोई भी संपर्क में नहीं थी। लेकिन एक तरफ विवेकानंद गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता की पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी थी, उसमें आधी रात को ये लोग शामिल हुए थे और सुशांत जो है वो रिया को उनके घर छोड़ने गए थे। हालांकि अभी तक सीबीआई ने इस पर अपना कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इस तरह के बयान जो कि सिद्धार्थ पिथानी, जो कि उनके फ्लैटमेट रहे हैं, उनसे सामने आया है। उन्होंने मीडिया हाउस को रिसेंटली ये बयान दिया है। अब इस पूरे बयान में, इस पूरी जो थ्योरी है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो सीबीआई ही बताएगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को और अभी तक इस पर उनकी तरफ से कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, कोई बातचीत सामने नहीं आई है। तो फिलहाल क्या होता है इस केस में, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या सिद्धार्थ पिथानी सही बोल रहे हैं या फिर जो खबरें आ रही हैं वो सही हैं, ये तो सीबीआई का काम है, सीबीआई बताएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।